हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रितु राठी ब्लॉग्स में। और आज है संडे और आज का व्लॉग कर रही हूँ भाई अभी स्टार्ट में। और सुबह का खाना बना रही हूँ, रायता बनाया है, मिक्स माँ गालन लग रही है, रोटी आए माँ होगी, मिर्च सही तो भाई मिर्च सही होगी, रोज खावा ही। और बच्चे खाने लग रहे हैं, खुशी अब बैठी, उसका पापा खा कर गया, मैं बनाऊँगा सब ने खा ली, मैं खाऊ हूँ। और खुशी ने बोली मम्मी आपकी मैं सेक दू हूँ, गरम गरम खा लियो है, खुशी ले आइए। तो भाई मेरी आखिरी की है रोटी सेक कर और मैं खाऊ हूँ बैठ कर, मेरी माँ खाने लग रही है। तो भाई सारा काम हो गया है, ईद बना ली हूँ और ईद मैं जाऊँ घरा एक बार। आए माँ जाऊँ हूँ घरा, ठीक है और सुशांत तो सो है, ठा दियो इसने थोड़ी बार में फिर ना कर जाना, इसने बैडमिंटन में नहीं जाना, आज छुट्टी है संडे है। और पढ़ाई कर लियो, जाना है चला जाइए तो, और काम कर लियो, दोनों टीवी ना देखियो, ठीक है? रियो ने भी तर लिया तो भी जाऊं हूँ करा, तो ये आगे करा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी थकाता है, ये बहुत थकाता है और ये हमारे जीने सबसे बड़ा जंजाल है, इसको कम करना है ना सबसे मुश्किल, इसको बढ़ाना भी मुश्किल है। और यहाँ पर आपका है ना जो आपकी एनर्जी है ना जो इन के अंदर 25 पॉइंट कुछ थी, आपके 21.8 है, यानी कि आपके अंदर की हाइट है। और इसमें है ना आपका वेट है 71.2 और इसका मतलब ये है कि आपका वेट अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और इसको कहेंगे हम कि है ना ये आपका होना चाहिए 62, तो है 71 वो आप लगा लेना कितना फालतू है। और आपकी जो फैट है, फैट होना चाहिए आपका 30 तक और 36 है। और ऐसे ही आपका विसरल फैट है ना होना चाहिए 5 और 7 है, बढ़ गया है ना। हाँ। तो ये 5 से 7 तक हो सकता है, आप इसको ज्यादा बढ़ा अच्छा। ना लेकिन इससे आगे बढ़ने ना दे इसको। और आपके मसल्स है 24.5 है, यानी कि एनर्जी आपके अंदर उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो कितनी? आपकी 27 से 33 तक होनी चाहिए। और अब कितनी? अभी 24.5 27 होनी चाहिए। 27 तो कम से कम और ज्यादा आपकी 33 तक हो सकती है। आप यहाँ पर बॉडी एज आपकी दिखाई है 47, इसका मतलब ऑर्गन्स के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है। और आपका आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी कैलोरी जो है 1419 आपके अंदर जा रही है हर रोज। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इसको ना आप कम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इनटेक ही ना करें, जैसे कोई मीठा हो या फिर आप जैसे आम अंगूर जो अभी मीठा खा रही हूँ मैं 10-15 दिन से, तो ये 1419 है, ये है ना आपकी 1200-1250 तक जानी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो BMI है ना वो ऑल ओवर करके 23.5 होनी चाहिए, लेकिन आपकी 25.5 है, थोड़ा क्योंकि वो आपका वेट जैसे घटेगा ना आपकी ये भी घट जाएगी, ठीक है। ओके इतना तो हमारा भी ठीक को नहीं जितना नानी का ठीक पाया है, बुढ़ा का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो आप, जात आपका ठीक है, काम तो ठीक कर हुआ है। मैंने पहले ही कही थी भाई नानी का वेट सही पाया, मौसी का देखा तो
हुई है, अमरूद तोड़ रहे हैं बाहर। और तोड़ू ना मैं तो नहीं खाती बेटी, ये बाल खा लेंगे। एक ही वो ऊपर इनमें वो पीला है मौसी, कीड़े हैं इनमें सारे में, मोटिया में तो कती है, ये तो खान के को नहीं, सारे में कीड़े लाग रहे हैं भाई। कोई इलाज हो तो बताइयो अमरूद में कीड़िया का। हाँ जमा नीचे भी लाग रहे हैं, ये डाला नीचे ही है, चाहे बालक तोड़ लो जितने बड़े थे ना उनका ओके पाया, बेबे का भी ओके पाया, छोटी बेबे का, मेरा बढ़ रहा है भाई, वो तो बताई दी मैंने, बढ़ रहा है मेरा। ठीक है मौसी बाय, ध्यान तो चाहिए। पापा तो मिलने आए थे भाई मौसी सारे, ओके बाय। गिव जाऊं घर भीतर आ जाएगा ये सामान, बेबे चार गल पी आई थी और चार लिया है भाई। बाली में घर शाम 6 बजे आई हूँ और ईब उसान आया है बैडमिंटन क्लास में, तो चाह तो इन्हें बना कर पी ली थी, बना ली थी के पापा ने, और ईब मैं बनाऊँ तूसान खातर बनाना शेक है, ये चलिया गया था क्लास में और सारे आ रहे थे भाई, सब तो मिली कई आ रही थी, मम्मी पापा तो मिलन खातर मौसी आ रही थी और फिर वो वेट वाली आ गई थी, एक मामी आ रही थी मामी और, तो वो वेट कर बलका आ रहे थे, तो कोई जानकार थी तो वो चेकअप करवाया था सब ने, तो बस उन्हें माले सांझ होगी फिर उन्होंने बात करने में बैठे रहे सारे, और फिर मैं जा लिए सारे जब मैं घर आई हूँ, तो चाह बना ली थी सब ने पी ली थी, और ये मैं तूसान खातर शेक बनाऊँ फिर अपने शाम की तैयारी करूँगी। ऐ तूसान ने शेक दे दिया बना कर, खुशी अपना बनाना क्या उनका केक दिखाना है पूरा। और ये देखो आम का चार लाए भाई मेरी बहन डाल कर, बहन की सासू ने डाला था मासी ने, दो तरह का डाल रखा है, एक कोयल वाला और एक सूखे वाला। तो भाई बनाऊ मैं शाम का खाने की तैयारी और जोत लगा लूं। तो भैया बना रही हूँ मैं रोटी और दादी खुशी तो लेके चले गए हैं, और अभी तूसान डाल रहा है अपनी, आज खाएंगे आम का अचार, खा के देख मासी ने बनाया था बहुत टेस्टी है। बढ़िया मेरी रज्जू आ रही है भाई, बना लू मैं फटाफट रोटी, गर्मी इतनी हो रही है बेगन हो रहा है मैं कभी। तभी बना ली रोटी खावा, हाँ आग कर लिया आग वहीं पे, चाय चेंज कर लिया यहीं पे, बढ़िया डाल। बाहर तो है थोड़ी हवा, अंदर तो बहुत गर्मी है। तो दोस्तों खाना खा लिया है और माँ और खुशी तो देखने लग रही है नाटक, तो सन हो गया तेरा सारा काम। तो भी ईब है सोन की तैयारी में, रात के बज गए 9:30 और अभी इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया हो, पसंद आया तो भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले है। तुशान आप कुछ कहना चाहोगे क्या? ऐसे बोल दो उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हम जब भी ब्लॉग अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, राधे राधे, गुड नाइट।